सूरत के लिंबायत विस्तार में स्थित नगर प्राथमिक समिति उर्दू स्कूल में विद्यार्थियों के पास सफाई कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे झाड़ू लेकर स्कूल की गैलरी की सफाई करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में उर्दू स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने पर पता चला कि ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो में शिक्षक भी साफ सफाई कर रहे हैं, वो दिखाया नहीं गया है, ऐसा उनका कहना है। आपको बता दें कि हमारे देश में शिक्षा का बहुत ही बड़ा महत्व है और शिक्षा जगत को देश में प्रथम स्थान दिया जाता है। शहर देश राज्य में बसे कई मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, लेकिन कुछ सरकारी स्कूल संचालक अपनी मस्ती में मस्त होकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को फ्री में काम करने वाले सफाई कामदार समझ लेते हैं और उन्हीं बच्चों से स्कूल की सफाई करवाते हैं। ऐसी ही एक घटना सूरत के लिंबायत विस्तार में सामने आई है, जिसमें सूरत के लिंबायत विस्तार में स्थित नगर प्राथमिक समिति उर्दू स्कूल में विद्यार्थियों के पास सफाई कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे झाड़ू लेकर स्कूल की गैलरी की सफाई करते साफ नजर आ रहे हैं। इस मामले में उर्दू स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने पर पता चला कि ये वीडियो बनाया गया है और वीडियो में शिक्षक भी साफ सफाई कर रहे हैं, वो दिखाया नहीं गया है, ऐसा उनका कहना है। आपका नाम? महबूब शेख। महबूब भाई, कौन सी स्कूल है और क्या है यहाँ सर? ये मीठी खाड़ी लिंबायत बेठी कॉलोनी उर्दू स्कूल साड़ा नंबर 234। किस तरह की गंदगी है और बच्चों से किस तरह से काम लिया जाता है यहाँ पे? यहाँ के प्रिंसिपल साहब बच्चों से झाड़ू मरवाते, पोता मरवाते, और हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पटे वाला नहीं है तो मैं खुद कर रहा हूँ, तो बच्चों से करवाए तो क्या है, लेकिन बच्चों से नहीं करवाना चाहिए। और यहाँ लेटरिन बाथरूम नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो लेटरिन बाथरूम यहाँ पे ख़राब है और ड्रेनेज लाइन पूरी टूटी हुई है वहाँ की। अब बच्चे यहाँ से बाहर जाएंगे तो कुछ हादसा हुआ, इधर रोड चलता है, गाड़ियाँ मोटर इधर चलती है, अगर उसका हादसा हुआ तो इसमें प्रिंसिपल जवाबदार, यहाँ की सरकार जवाबदार है। कितने टाइम से ये साफ सफाई कर रहे हैं और क्या बोलते हैं प्रिंसिपल? ये साफ सफाई तो दो चार दिन में होते रहती है, हम लोग के पास में कोई ना कोई आते रहता है भाई, ऐसा हुआ है, कुछ ना कोई साफ सफाई का मसला होता है, कभी कोई दूसरा मैटर होता है तो आते रहती है पब्लिक। किस तरह की गंदगी देखने मिलती है स्कूल के अंदर? गंदगी तो ऐसी है क्या, बहुत ख़राब है, इसका कोई प्रति भी इतना खराब हिसाब है इसका। आप प्रिंसिपल के पास गए तो प्रिंसिपल ने क्या जवाब दिया था? प्रिंसिपल जवाब तो यही कि जवाब देता है, फिर बाद में भूल जाते हो, कुछ वही काम है, उनको जो करना है वही करते हैं, तो इससे बेहतर है कि 2000 बच्चों का भविष्य बिगड़े तो ऐसा प्रिंसिपल क्यों चाहिए यहाँ पर, दूसरा प्रिंसिपल चाहिए हमारे यहाँ। पटे वाला कोई है? नहीं है, कोई पटे वाला नहीं। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़, सूरत।